Welcome to JDC classes. Now I'm here with the few guest questions of chemistry portion for your GPAT exams. I know that GPAT exam is approaching, entrance is approaching, and you might be worried about the exams. So here I am here to help you out with few guest questions of the entire chemistry portion, including organic chemistry and physical chemistry. Let's take first question here. How much water should be added to 100 ml 0.1 m HCl solution to make it 0.01 m यानी के molar solution? इसका मतलब question को पहले समझेंगे. Question का है कि 0.1 molar HCl solution जिसका volume हमारे पास है 100 ml उसमें कितना water मिलाएं के उसकी molarity 0.01 हो जाए, मोल पर लीटर हो जाए. क्लियर? सो पहले निकाल के देखते हैं, करके देखते हैं क्वेश्चन को. सो हाउ मच वाटर शुड बी एडेड. अगर यहां जहां इस तरह से दो कंडीशंस आपके पास होती हैं तो वहां पर हम मोलर इक्वेशन यूज करते हैं, वो है m1v1 = m2v2. क्लियर? सो फर्स्ट कंडीशन में हमारे पास मोलैरिटी कितनी है 0.1, वॉल्यूम कितना है 100 ml और m2 कितना बनाना है 0.01 बनाना है. तो यहां से हम फाइनल वॉल्यूम निकाल सकते हैं कि 0.1 को कन्वर्ट करना है 0.01 में तो फाइनल वॉल्यूम क्या होगा. तो वॉल्यूम फाइनल होगा 0.1 इनटू 100 डिवाइड बाय 0.01. तो डेसिमल्स हटाने के लिए आप सीधा सीधा सा सिंपल मल्टीप्लिकेशन बता रहा हूं आपको कि डेसिमल से डेसिमल चला जाएगा और 10 10 जा और ये आ गया 1000 ml. तो फाइनल वॉल्यूम हो जाएगा 1000 ml. लेकिन आपको पता है कि पहले से कितना ml प्रेजेंट था, पहले से प्रेजेंट था 100 ml. तो और कितना वाटर मिलाया है उसमें, यानी कि टोटल हुआ 1000, पहले से था 100, तो मिलाया कितना, मिलाया कितना वॉल्यूम ऑफ वाटर टू बी एडेड is equal to that is 1000 minus 100 yani ke 900 ml water agar hum is solution mein add kar dein yahan to final volume to hamara ho jayega 1000 ml lekin uski molarity bhi 0.01 molar ho jayegi. Got it? So yahan par answer kya hua hamara 900 ml. Clear? So let's check it out now. Yes, this is the option here. C option is the correct option. Clear? Next question dekhte hain. Which chlorine atom is more electronegative in the following? I know all the halogens are electronegative. HCl, BRI, sabse jyada electronegative. F fluorine hota hai Pauling scale par, arbitrary value electronegativity ki 4 hai wahan par. Lekin yahan हैलोजेंस की और किसी भी एलिमेंट की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखो डिपेंड कर रही है यहां पर कि कितना बड़ा उसके पास एल्काइल ग्रुप लगा हुआ है. यहां पर देखेंगे CH3Cl यहां पर है, ठीक है. नेक्स्ट में हमारे पास CH3CH2Cl है और नेक्स्ट यहां पर आप देखेंगे टर्शियरी ब्यूटाइल है. यहां पर हमारे पास देखेंगे इधर भी CH3CH3 और इधर C2H5 है, तीन ग्रुप लगे हुए हैं. यहां पर तीनों मिथाइल ग्रुप लगे हुए हैं. तो आपको समझना होगा कि जो मिथाइल ग्रुप है वो क्या है, प्लस आई ग्रुप होता है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग वाला ग्रुप होता है. वो किसको देगा, वो Cl को देगा, ठीक है. और Cl वहां से माइनस आई ग्रुप की तरह से बिहेव कर रहा है, वो इलेक्ट्रॉन वहां से लेता है. तो यहां पर जितना बड़ा एल्काइल ग्रुप होगा उतनी ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्लोरीन पर होने वाली है और उतना ही ज्यादा वो जो हैलोजन है, जो क्लोरीन यहां पर है, उतना ही ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हो जाएगा. इसका मतलब एज द साइज ऑफ एल्काइल ग्रुप इंक्रीजेस इन एल्काइल हैलाइड द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ दैट हैलोजन इंक्रीजेस. क्लियर? तो यहां देखिए आप सबसे बड़ा एल्काइल ग्रुप कौन कौन से यहां पर लगे हुए हैं. तो आप देखेंगे डी ऑप्शन में यहां पर दो मिथाइल ग्रुप है लेकिन एक इथाइल ग्रुप है, बड़ा ग्रुप लगा हुआ है. यानी कि यहां पर जो ये सीएल होने वाला है ये सबसे
ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होने वाला है। गॉट इट? चले तो ऑप्शन हमारा क्या ठीक हुआ यहां पर? डी ऑप्शन, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वेंजोइलेशन ऑफ फिनोल इन एल्कलाइन मीडियम इज नोन एज बेंजोइलेशन। बेंजोइल ग्रुप का लगना बेसिक मीडियम में कौन सी रिएक्शन होता है? फ्रीडलक्राफ्ट एसाइलेशन होता है, वुड्स फिटिंग होता है, शॉर्टन बॉमन रिएक्शन होता है, या सेबेटियर सेंडर रिएक्शन होता है? तो पहले हम सभी रिएक्शंस के बारे में जान लेंगे, देन विल कम टू आर कंक्लूजन और फाइनल ऑप्शन। पहले देखते हैं शॉर्टन बॉमन रिएक्शन। तो शॉर्टन बॉमन में आप देखेंगे रिएक्टेंट्स क्या है हमारे पास। देखिए एनिलीन है, एक तरफ एनिलीन है, एक तरफ हमारे पास बेंजोइल क्लोराइड है। तो बेंजोइल क्लोराइड यानी कि हम कर रहे थे बेंजोइलेशन की बात, तो यहां पर सीधा मैकेनिज्म आप देख रहे हैं कि यहां नाइट्रोजन से जो एमीन है उससे न्यूक्लियोफिलिक अटैक हुआ, ये बॉन्ड ऑक्सीजन पे शिफ्ट हुआ, तो नेक्स्ट स्टेज में हमारे पास ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज आया। अब ऑक्सीजन का नेगेटिव चार्ज यहां माइग्रेट हुआ और सीएल यहां से निकल गया। नाइट्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज आया था तो एच वहां से निकल गया, तो सीधा सीधा था हमारे पास। देखिए ये जो प्रोडक्ट बन रहा है, दिस इज एन फिनाइल बेंजामाइड हमारे पास बन रहा है, और यहां पर क्या हो रहा है? रियली यहां पर बेंजोइलेशन हो रहा है, यानी कि एनिलीन पर बेंजोइल ग्रुप लग गया, C6H5CO ग्रुप यहां पर लग रहा है। क्लियर? चलिए तो ऑप्शन क्या है हमारा आपको क्लियर हो चुका है, लेकिन बाकी जो ऑप्शन है उनमें क्या है उनको देख लेते हैं। ये है हमारे पास सेबेटियर सेंडर्न प्रोसेस, ये हमारे पास है, और यहां पर होता क्या है? प्रोड्यूसेस मीथेन एंड वॉटर फ्रॉम अ रिएक्शन ऑफ हाइड्रोजन एंड कार्बन मोनोऑक्साइड। तो यहां पर होता क्या है सिंपली, ये जो हमारे पास जो है कार्बन डाइऑक्साइड और 4H2 के साथ रिएक्शन होकर यहां हमारे पास CH4 मीथेन मिलता है, और ये हमारे पास सेबेटियर सैंडर्न्स रिएक्शन होता है। तो यहां पर मीथेन बनता है, किससे बनता है? CO2 से बनता है। क्वेश्चन आपके सामने ये भी आ सकता है के कौन सी रिएक्शन है जिसमें CO2 से CH4 बनता है, तो वो हमारे पास सेबेटियर सैंडर्न्स रिएक्शन है। नेक्स्ट इज फ्रीडलक्राफ्ट एसाइलेशन, आपको पता है CH3COCl हमारे पास एसिटाइल क्लोराइड या एसाइल क्लोराइड आप कह सकते हैं, उसको बेंजीन से कराएंगे तो AlCl3 की प्रेजेंस में जो रिड्यूस एसिड और कैटलिस्ट का काम करेगा, और यहां पर एसाइल ग्रुप यहां ऐड हो जाएगा। क्लियर? अब आपको ध्यान देना है यहां यूज हुआ है एसिटाइल क्लोराइड, ठीक है, और यहां पे एसाइल ग्रुप लग गया, लेकिन जो बेंजोइल ग्रुप है वो भी तो C6H5CO ग्रुप है, तो दोनों में अंतर हुआ। यहां CH3CO ग्रुप है और यहां पर जो है C6H5CO ग्रुप, ये वाला ग्रुप है, ठीक है, जो अमीन से लग रहा है। ओके चलिए नेक्स्ट हमारे पास जो रिएक्शन है वो हमारे पास आती है वुड्स फिटिंग। सो वुड्स फिटिंग में क्या होता है, वहां पर एक एराइल हैलाइड को एल्काइल हैलाइड के साथ रिएक्ट कराया जाता है इन प्रेजेंस ऑफ सोडियम और ईथर की प्रेजेंस में, और हमारे पास यहां मिलता है एल्काइल अरीन, यानी कि एल्काइल बेंजीन यहां पर मिला है, यानी कि मिथाइल बेंजीन जिसको सिंपली टोलुइन कहते हैं। तो यहां पूरे डिस्कशन से यू हैव कम टू नो कि बेंजोइलेशन किस रिएक्शन में हो रहा है, दैट इज शॉर्टन बॉमन रिएक्शन। तो हमारा ऑप्शन सी करेक्ट होगा यहां पर। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इथाइलीन रिएक्ट्स विद, ध्यान से देखेंगे, इथाइलीन रिएक्ट्स विद बेयर्स रिएजेंट टू गिव क्या मिलता है? इथेन मिलता है, इथाइल अल्कोहल मिलता है, इथाइलीन ग्लाइकोल मिलता है, नॉन ऑफ दिस कोई भी नहीं मिलता। सो सबसे पहले देखेंगे कि बेयर्स रिएजेंट होता क्या है। बेयर्स रिएजेंट होता है एल्केलाइन KMnO4 सॉल्यूशन। ये कैसे होता है एल्केलाइन? जब हम KMnO4 के साथ में क्या यूज करते हैं, KOH को यूज करते हैं, तो एल्केलाइन KMnO4 हो जाता है। अब बात करते हैं कि ये इथाइलीन को कैसे ऑक्सीडाइज करता है और बाकी एल्कीन्स को भी कैसे ऑक्सीडाइज करता है, क्योंकि क्वेश्चन यहां इथाइलीन से आया है तो वहां कोई और एल्कीन से भी आ सकता है, तो सभी केसेस को देखेंगे। लेट्स सी दिस नाउ। देखो ये सीधा सा था इथाइलीन के साथ में, इथाइलीन के साथ में H2O और ऑक्सीजन, ये जो ऑक्सीजन आ रहा है, ये जो ऑक्सीजन आया है, ये है नेसेंट ऑक्सीजन, कहां से? KMnO4
से आया है और इसको हम कलेक्टिवली कह रहे हैं बेयर्स रिएजेंट। ये कहां से आया हमारे पास? केमेनोफोर से आया। चलिए अब यहां पर क्या होगा, H2O, तो OH OH, एक OH इधर एक OH इधर, और ये हमारे पास बन गया है इथाइलिन ग्लाइकोल। ये हमारे पास बन गया है, देखिए इथाइलिन ग्लाइकोल बन गया है। ओके चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। अगर हमारे पास प्रोपाइलीन है, सिंपली प्रोपीन कहेंगे, उसको भी हम एल्काइल केमेनोफोर के साथ ट्रीट कराते हैं, तो वहां पर जो रिएक्टेंट जो स्पीसीज आती हैं वो H2O एंड ऑक्सीजन आती है। तो OH OH मिला, तो एक OH इधर लग जाता है, एक OH इधर लग जाता है। तो यहां पर आप देखेंगे दिस इज प्रोपाइलीन ग्लाइकोल यहां पर होता है, ये बनता है हमारे पास। ठीक है, ये तो सिंपल रिएक्शन है बाय द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन, लेकिन बाकी एल्किन के साथ किस तरह से रिएक्ट करता है एल्काइल केमेनोफोर उसको भी देखना जरूरी है, क्योंकि क्वेश्चन उनसे भी आ सकता है। क्लियर, चलिए देखते हैं। यहां पर आप देखेंगे अगर हमारे पास ब्यूट टू इन है और उसको हम नेसेंट ऑक्सीजन हॉट केमेनोफोर एल्काइल केमेनोफोर के साथ रिएक्शन करा रहे हैं, तो ध्यान देंगे यहां पर बन क्या रहा है, यहां पर बनता है एथनॉइक एसिड, इंपॉर्टेंट है ध्यान देंगे। अगर हमारे पास टर्मिनल एल्कीन्स हैं, टर्मिनल का मतलब है लास्ट में, देखो यहां दिखा दूं आपको CH2 टर्मिनल हुआ, और दूसरा हमने करके देखा था अभी CH, ये वाला ये भी टर्मिनल था, तो यहां पर तो सीधा OH लग जाता है। लेकिन अगर एल्कीन यानी कि जो डबल बॉन्ड है वो बीच में है तो क्या होता है, तो ध्यान देंगे यहां पर डबल बॉन्ड CH जहां भी ग्रुप होगा या CH डबल बॉन्ड होगा तो वो ग्रुप चेंज हो जाता है COOH में, वो यहां ऑक्सीडाइज हो जाता है, यह इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है, अगर नॉन टर्मिनल एल्किन यहां पर है। चलिए तो यहां पर फर्स्ट केस में एथनॉइक एसिड बन गया, यू हैव अंडरस्टूड दिस। नाउ हमारे पास दूसरे तरह का भी एल्किन हो सकता है, ये रहा तो थोड़ा ब्रांच एल्किन आ गया जिसमें ब्रांच है कार्बन की, तो यहां पर होट केमेनोफोर के साथ रिएक्शन हो रही है। तो मैंने आपको बताया था कि जो CH होगा, ध्यान देंगे ये वाला मैंने आपको बताया था, ये तो बदल जाएगा COH में, तो जब यहां से ब्रेक होगा तो ये वाला ये जो कार्बन है ये तो COH में कन्वर्ट हुआ, ये देखिए CH3 COH, गॉट इट। अब ध्यान देंगे अगर हमारे पास यहां इस तरह से C डबल बॉन्ड ऐसे कोई ग्रुप आ रहा है बीच में एल्कीन का, तो ये वाला जो है कीटोन में आ जाता है, तो ये वाला कार्बन तो बन गया कीटोन में और CH डबल बॉन्ड बन गया है COH। ध्यान से समझेंगे क्योंकि केमेनोफोर के साथ रिएक्शन इंपॉर्टेंट है और यहां से इस टेबल से क्वेश्चन आ सकता है, क्योंकि जरूरी नहीं है सिंपल बिल्कुल ईथीन के साथ में क्वेश्चन पूछा जाए, इस तरह से थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड वे में पूछा जा सकता है। तो जहां पर इस तरह की कंडीशन होगी और यहां स्प्लिट होगा तो यहां पे कीटोन बनेगा, देखिए आपके पास कीटोन बना, दिस इज प्रोपेनॉन। क्लियर, तो यहां इसके ऑक्सीडेशन से एक तरफ कार्बोक्सिलिक एसिड बना और एक तरफ कीटोन बना। अभी यहां पे देखेंगे, अब यहां दोनों कार्बन है, देखिए जिसके हम इस वाले कार्बन की बात कर रहे थे, तो दोनों में यहां पर बच्चे बनेगा कीटोन, तो सी डबल बॉन्ड हो सी डबल बॉन्ड हो और ये ब्रेक हो जाएगा, तो यहां पे हमारे पास 2 moles ऑफ प्रोपेनॉन बनेगा। क्लियर, सो ये केमेनोफोर की रिएक्शन बड़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है एल्किन के लिए, उसके ऑक्सीडेशन के लिए। तो यहां पर आपको नीचे देखो की भी दिया हुआ है कि डबल बॉन्ड CHR गेट्स ऑक्सीडाइज्ड टू CrCOH एंड डबल बॉन्ड C गेट्स कन्वर्टेड इनटू कीटोन, ये मैं आपको ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं। तो प्रॉपर सब कुछ डिस्कशन के बाद आप अपने कंक्लूजन पहुंचे कि हमने क्वेश्चन पूछा था ईथीन के ऑक्सीडेशन से, ईथीन को रिएक्ट करा रहे हैं बेयर्स एजेंट के साथ में, तो प्रोडक्ट क्या होगा वो हम डिस्कस कर चुके हैं, वहां प्रोडक्ट था इथाइलीन ग्लाइकोल। तो ऑप्शन हमारा ठीक कौन सा होगा, थर्ड ऑप्शन हमारा यहां पर ठीक होगा इथाइलीन ग्लाइकोल। क्लियर हो गई बात, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फॉर्मल्डिहाइड रिएक्ट्स विद अमोनिया टू गिव यूरोट्रोपिन, यूरोट्रोपिन मिलता है जब फॉर्मल्डिहाइड, क्या फॉर्मूला होता है फॉर्मल्डिहाइड का, HCHO, दिस इज H, रिएक्ट्स विद अमोनिया, अमोनिया के साथ रिएक्ट करता है तो यूरोट्रोपिन बनता है, द फॉर्मूला ऑफ यूरोट्रोपिन आपको बताना है। तो पहले इसका प्रिपरेशन देख लेते हैं कि यूरोट्रोपिन बन कैसे रहा है। ठीक है, चलिए सी
सिक्स मोल्स ऑफ SCHO रिएक्ट कर रहा है 4 मोल्स ऑफ NH3 से और हमारे पास CH2 whole 6 N4 बन रहा है और 6H2O निकल जाता है। CH2 whole 4 hexamethylene हमारे पास अमीन आ रहा है, नाइट्रोजन का कंपाउंड है तो N4 बन जाता है। ठीक है, चलिए अब इसके स्ट्रक्चर हमारे पास क्या है। स्ट्रक्चर इस तरह से साइक्लिक स्ट्रक्चर हमारे पास आती है 3D में, इसको कहते हैं यूरोट्रोपिन। ओके, नाइट्रेशन फर्दर करते हैं, इसके एप्लीकेशन पे भी क्वेश्चन आपसे आ सकता है तो उसको एक्सटेंडेड मैंने कर दिया। अगर इसका नाइट्रेशन कराते हैं तो नाइट्रेशन कराने के बाद हमें यहां देखिए नाइट्रोजन सभी पे NO2 ग्रुप लग जाएगा। ओके, अब ये आपके लिए इंपॉर्टेंट कंपाउंड है क्योंकि इसको कहते हैं साइक्लोनाइट और साइक्लोनाइट को RDX कहते हैं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सप्लोसिव। क्लियर, सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये जैसे RDX आपको पता ही है तो वो ये RDX होता है जो यूरोट्रोपिन से बनता है। यूरोट्रोपिन कहां से बनता है, ये बनता है फॉर्मल्डिहाइड से। तो फॉर्मल्डिहाइड कितना खतरनाक हो सकता है और एक्सप्लोसिव बनाने में कैसे यूज हो सकता है, यू हैव कम टू नो। तो आपसे पूछा है यूरोट्रोपिन का फॉर्मूला, दैट इज CH2 whole 6 N4। तो यहां पर आंसर हमारा CH2 whole 6 N4, यही हमारा आंसर होगा यूरोट्रोपिन का। क्लियर, और इससे बनता है RDX, रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सप्लोसिव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द रिएक्शन इन विच सोडियम साइनाइड इज यूज्ड। देखो ध्यान से देखेंगे, सोडियम साइनाइड होता है CaCN, तो CaCN से मिलना होता है साइनाइड आयन। अब साइनाइड आयन किस रिएक्शन में यूज होना है ये आपको बताना है। परकिन रिएक्शन में यूज होता है, रिमर टीमैन में, बेंजोइन कंडेंसेशन या रोजन मुंड रिएक्शन में। तो पहले सभी रिएक्शंस को एक बार हैव अ लुक ताकि आपका रिवीजन भी हो जाए, अगर क्वेश्चन आए तो उस पे कैसे आ सकता है वो भी मैं आपको बताऊंगा। चलिए देखो, सबसे पहले है हमारी परकिन रिएक्शन। परकिन रिएक्शन में इट गिव्स एम, परकिन रिएक्शन होता क्या है, गिव्स एन अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एरोमेटिक एसिड बाय द एल्डोल कंडेंसेशन ऑफ द एरोमेटिक एल्डिहाइड एंड एसिड एनहाइड्राइड। तो यहां पर केवल बात हो रही है एरोमेटिक एल्डिहाइड के बीच में यहां पर रिएक्शन होगी। देखिए AR C डबल मोनो, यानी कि हमारे पास ये बेंजल्डिहाइड है, बेंजल्डिहाइड की रिएक्शन हो रही है हमारे जो है एनहाइड्राइड के साथ में, बेस की प्रेजेंस में हो रही है। तो यहां पर हमारे पास जो बनता है वो क्या बनता है, सॉल्ट बनता है, एल्कली सॉल्ट ऑफ एसिड। यहां पर जो हमने अगर हम लेंगे वहां पर जो बेस लिया है, अगर हम यहां एल्कली बेस लेंगे लाइक NaOH ले लिया तो Na यहां पर मिलने वाला है Na। अब ये एसिडिफाइड फॉर्म में लिखा हुआ है, आपको यहां Na मिल जाएगा। क्लियर, चलिए नेक्स्ट में अब आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि वही कौन सी रिएक्शन है जिसमें जो बेंजल्डिहाइड और रिएक्शन वो करवा रहे हैं एनहाइड्राइड की, कौन सी रिएक्शन है, ठीक है, इन प्रेजेंस ऑफ बेस करा रहे हैं। तो सिंपली कौन सी होगी, परकिन रिएक्शन होगी। क्लियर होगी बात। नेक्स्ट हमारे पास होगा कन्वर्जन ऑफ फिनोल टू सैलिसिलिहाइड। फिनोल टू सैलिसिलिहाइड बनता है किसमें, रिमरटिमैन में। क्या यूज होता है यहां पर, CaCl3 और KOH। अब आपसे क्वेश्चन आ गया कि भाई कौन सी रिएक्शन है जिसमें फिनोल से सैलिसिलिहाइड बनता है और उसमें रिएजेंट CaCl3 या KOH यूज होता है, तो आपके पास आएगा रिमरटिमैन आंसर। एक और यहाँ पर इंटरमीडिएट इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर जो इंटरमीडिएट यूज होता है वो यूज होता है कार्बेन, यहाँ पर इंटरमीडिएट बनता है। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कार्बेन इंटरमीडिएट किस रिएक्शन में बनता है, तो ये कौन सी में बनेगा, रिमरटिमैन में बनेगा। नेक्स्ट हमारे पास आता है बेंजोइन कंडेंसेशन। तो बेंजोइन कंडेंसेशन इज अ कपलिंग बिटवीन टू एल्डिहाइड्स दैट अलाउज द प्रिपरेशन ऑफ अल्फा बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन्स। तो देखिए यहां पर हमारे पास जो एल्डिहाइड है आपके पास सीधा सीधा बेंजल्डिहाइड है, और इंपॉर्टेंट बात है यहां पर नोट करने के लिए क्योंकि यहां पे साइनाइड आयन यूज हो रहा है, मतलब यहां पर जो स्पीशीज यूज होने वाली है वो NaCN यूज होगा, साइनाइड आयन आएगा और साइनाइड आयन ही यहां पर बेंजोइन बनाएगा, बेंजोइन बनाएगा। क्लियर हुई बात, और यानी कि आपको आपका आंसर भी मिल गया है कि साइनाइड आयन या सोडियम साइनाइड किस रिएक्शन में यूज होता है। ओके, वो कौन सी रिएक्शन है, हमारी बेंजोइन कंडेंसेशन है। द लास्ट रिएक्शन इज रोजन मुंड।
रिडक्शन। यहां पर क्या होता है, यहां पर हाइड्रोजनेशन प्रोसेस है इन विच एन एसाइल क्लोराइड इज सेलेक्टिवली रिड्यूस्ड टू एल्डिहाइड। क्लियर। तो यहां पर सिंपली क्या है, एसाइल क्लोराइड हमारे पास है RCOCl H2PDBSO4 के प्रेजेंस में हमारे पास यहां जो प्रोडक्ट बनता है वो एल्डिहाइड, एसाइल क्लोराइड से हमारे पास एल्डिहाइड मिलता है और यहां पर इस रिएक्शन को कहते हैं हाइड्रोजनेशन और सिंपली रिडक्शन। तो ये रोजन मोड में हम यूज करते हैं PDBSO4 फॉर पॉइजन विद क्विनोलीन और सल्फर। ठीक है, ओके। अब आपसे कुछ भी पूछा जा सकता है, अब यहां से भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि PDBSO4 पॉइजन विद क्विनोलीन और सल्फर ये रिएजेंट कहां यूज होने वाला है। ठीक है, तो वो यूज होता है रोजन मोड रिएक्शन में। और यहां पर ये जो PDBSO4 पॉइजन विद क्विनोलीन और सल्फर होता है ये हमारे पास लिंडलार कैटलिस्ट होता है। क्या होता है, लिंडलार कैटलिस्ट। ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, व्हाट इज लिंडलार कैटलिस्ट एंड हाउ इन व्हिच रिएक्शन इट इज यूज्ड। तो वो कौन सी रिएक्शन होगी, वो रोजन मोड रिएक्शन होगी जिसमें लिंडलार कैटलिस्ट यूज होगा टू रिड्यूस द एसाइल क्लोराइड इनटू द एल्डिहाइड। गॉट इट। चले हमारे क्वेश्चन का आंसर, क्वेश्चन क्या था हमारा, था कि साइनाइड आयन किस रिएक्शन में यूज होता है। हमारे पास आंसर आ चुका है बेंजोइन कंडेंसेशन फ्रॉम दिस डिस्कशन। तो टिक करते हैं बेंजोइन कंडेंसेशन, सी ऑप्शन यहां पर हमारा करेक्ट होगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द फॉलोइंग कंपाउंड इज यूज्ड एज। देखिए आपको ये कंपाउंड दिया है क्योंकि थोड़ा मेडिसिनल केमिस्ट्री की तरफ भी आपके क्वेश्चन आते हैं, उस साइड से भी आते हैं। तो ये तो एक नॉर्मल ही प्रोडक्ट है जो आप कार्बोनिल केमिस्ट्री में पढ़ रहे हैं, वहां पढ़ते हैं, और अल्कोहल उसके डेरिवेटिव में भी, फिनॉल में भी पढ़ते हैं आप। तो ये इंपॉर्टेंट कंपाउंड आपके लिए है। तो ये कौन सा है, कैसे बनता है, समझिए पहले ये बन कहां से रहा है और ये क्या कंपाउंड है। ठीक है, तो इसको समझने के लिए पहले मैं अगली स्लाइड पे चलूंगा, आपको समझाऊंगा कि ये कहां से बना, किससे बना, कैसे बना। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं कि इसका ये किस लिए यूज होता है। तो हियर आप देखेंगे दिस इज सैलिसिलिक एसिड हमारे पास है। अब ये सैलिसिलिक एसिड रिएक्ट करता है एसिटिक एनहाइड्राइड से और हमारे पास देखिए बनता है एस्पिरिन। तो आप समझ ही गए होंगे कि वो जो कंपाउंड पिछली स्लाइड पे दिखा था वो क्या है, वो एस्पिरिन है विद द रिलीज ऑफ सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एसिटिक एसिड। तो यहां जो एस्पिरिन है वो किस लिए यूज होता है, देखो एस्पिरिन बहुत अच्छा ड्रग है, ये एनाल्जेसिक की फॉर्म में, एनाल्जेसिक की फॉर्म में यूज होता है, पेन रिलीवर है। और इसके साथ साथ ये क्या करता है, ये एंटी कोएगुलेंट भी है, हार्ट पेशेंट्स के लिए बहुत जरूरी है, बहुत अच्छा है, और ये जो ब्लड को पतला करता है। ठीक है, तो जो हार्ट पेशेंट्स होते हैं वो एस्पिरिन की छोटी टैबलेट अपने पास रखते हैं, जब वो कार्डियक पेन होता है तब वहां एक्सक्लूसिवली यूज होता है एस्पिरिन। क्लियर हो गई बात। तो अभी आपको आंसर भी मिल गया होगा क्वेश्चन का, तो क्वेश्चन का आंसर होगा हमारा एनाल्जेसिक्स। एनाल्जेसिक मतलब दर्द निवारक दवाई, तो ये हमारे पास एस्पिरिन था। ओके चले, और उससे जिससे हमने इसको लिया, सैलिसिलिक एसिड यहां पर मेन है, उसको एसिटिक एनहाइड्राइड से रिएक्ट करा रहे हैं, और सैलिसिलिक एसिड किस रिएक्शन का प्रोडक्ट होता है, किस रिएक्शन का प्रोडक्ट होता है, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बोलेंगे कि जो सैलिसिलिक एसिड है वो किस रिएक्शन का प्रोडक्ट होता है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन पर, प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शियरी अमीन्स कैन बी डिस्टिंग्विश्ड बाय। अब ध्यान देने वाली बात है कि आपके पास चार टेस्ट लिखे हुए हैं, चार में से कौन सा टेस्ट यूज होता है अमीन्स के डिस्टिंक्शन के लिए प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शियरी में, शिफ्ट टेस्ट, फेरिंग टेस्ट, टोलन टेस्ट एंड हिंसबर्ग टेस्ट। ऑब्वियसली ये हम पढ़ चुके हैं कार्बन केमिस्ट्री में, शिफ्ट टेस्ट जो पर्टिकुलर एल्डिहाइड के टेस्ट देता है, फेलिंग टेस्ट भी देता है एल्डिहाइड, उसके बाद कीटोन भी एल्डिहाइड का टेस्ट मतलब देता है, इसके बाद हमारे पास फोर्थ जो बचता है वो बचता है हिंसबर्ग टेस्ट या हिंसबर्ग रिएजेंट टेस्ट। ये इस टेस्ट से ही हम प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी अमीन को डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, लेट्स सी। यहां पर आप देखेंगे प्राइमरी अमीन हमने लिया है, अब ये प्राइमरी अमीन को रिएक्ट करवा रहे हैं हिंसबर्ग रिएजेंट से, किससे करवा रहे हैं हिंसबर्ग रिएजेंट। ये क्या होता है भाई, देख लेंगे आप, एरिल सल्फोनिल क्लोराइड होता है,
एराइल सल्फोनिल क्लोराइड, और यहाँ पे ये बेंजीन हमारे पास है ना, ठीक है। चलिए तो फिनाइल सल्फोनिल क्लोराइड यहाँ पे हुआ। अब जैसे ये इससे रिएक्ट करता है तो रिएक्ट कैसे करेगा, सिंपली आपको बताया जाए तो ये Cl और ये H, देखो ये H और ये Cl निकल जाएगा और इस N की सल्फर से बॉन्डिंग हो जाएगी। हम देखो हो गई, इस N की सल्फर से बॉन्डिंग हो गई और उसके पास एक हाइड्रोजन बच गया जो एसिडिक हाइड्रोजन की तरह से बिहेव करेगा। अब ये प्रोडक्ट बनने के बाद हम उसमें NaOH डालकर देखते हैं, NaOH डालेंगे तो जो प्रोडक्ट हमारे पास आता है वो न्यूट्रलाइज हो जाता है बाय द बेस और यहाँ पे वाटर सॉल्युबल स्पीशीज यहाँ पर बन जाती है, ठीक है, ओके। अब अगर सेकेंडरी हम इनके साथ करवाएं तो मैंने आपको बताया कि ये H और ये Cl बनके निकल जाता है और इस सल्फर का नाइट्रोजन से बॉन्ड बन जाता है। तो हमारे पास यहाँ जो स्पीशीज बन रही है, जो पर्टिकुलर कंपाउंड बन रहा है, वो आप देखेंगे वो इनसॉल्युबल सॉलिड होता है, यानी कि अगर हम उसमें NaOH डालें तो वो सॉल्युबल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहां तो एसिडिक हाइड्रोजन प्रेजेंट था, यहां तो कंपाउंड में हाइड्रोजन प्रेजेंट था तो NaOH डालने पे सॉल्युबल हो गया, लेकिन यहां ऐसा नहीं है क्योंकि यहां हाइड्रोजन अवेलेबल ही नहीं है, ठीक। तो यहां पर प्राइमरी सेकेंडरी में हम डिस्टिंग्विश कर सकते हैं कि जो हमारे पास हेंस पर रिएजेंट है उसके साथ प्राइमरी अल्कोहल कंपाउंड बनाता है और वो सॉल्युबल होता है NaOH में, लेकिन सेकेंडरी सॉल्युबल नहीं होता और टर्शरी तो रिएक्ट ही नहीं करता और इसीलिए यहां पर ये रिवर्सिबल रिएक्शन हो जाती है और यहां पर ये एक सॉल्ट की तरह से बिहेव करता है। लेकिन ये सॉल्ट ऐसा है जो आइसोलेट नहीं किया जा सकता और ये बहुत अनस्टेबल होता है। जब NaOH डालते हैं तो ये वाटर सॉल्युबल हमारे पास स्पीसीज बनाता है, ठीक है। तो जनरली हम क्या दिखाते हैं कि ये इसके साथ रिएक्ट ही नहीं करता क्योंकि इन दोनों के कंपैरिजन में इसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं आता, क्योंकि रिएक्ट करने के लिए एटलीस्ट वन एसिडिक हाइड्रोजन नाइट्रोजन पर प्रेजेंट होना चाहिए। तो यहां पर हिंसबर्ग रिएजेंट यूज करके प्राइमरी अमीन और सेकेंडरी अमीन को डिस्टिंग्विश कर लिया, लेकिन टर्शियरी देगा ही नहीं तो वो अपने आप ही डिस्टिंग्विश्ड है। क्लियर हो गई बात। तो यहां पर हमारा आंसर हिंसबर्ग रिएजेंट होगा, वही हमारा करेक्ट आंसर होगा। क्लियर हो गई बात। चलिए नेक्स्ट हमारे पास है आईपीसी नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। ये आपके पास कंपाउंड बनाया हुआ है, इसको मैं थोड़ा सिंपलीफाई करके बना रहा हूं आपके लिए, बनाऊंगा तब आपको समझाऊंगा ये कौन सा कंपाउंड है, किस तरह का कंपाउंड है, कैसे इसकी नेमिंग करनी है। सो पहले समझ लेंगे उसके बाद आगे चलेंगे। देखो ये है, इसको थोड़ा सिंपल वे में कर लेंगे। सिंपल वे में ऐसे कर लीजिए, देखो ये डबल बॉन्ड है और यहां से ये हमारे पास ये स्ट्रक्चर इसका है। तो यहां पर ये तो हुआ डबल बॉन्ड, यहां पर ये बीआर लगा हुआ है और यहां पर लगा हुआ है दिस इज ओएच, ये लगा हुआ है। अब एक बात और समझ लीजिए, ये कंपाउंड ऐसे तो बना दिया मैंने, लेकिन इसको दूसरी तरीके से भी प्रेजेंट किया जा सकता है। कैसे किया जा सकता है उसको देखेंगे। तो यहां पर इसको ऐसे भी आप बना सकते हैं, ठीक है। ये देखिए बीच में ये भी कंडीशन है। अब यहां पर तो O डबल बॉन्ड O लगा हुआ है, यहां पर OH लगा हुआ है और यहां हमारे पास इस वाले कार्बन पे यहां पर BR लगा हुआ है, ठीक है, ओके। क्लियर हो गई बात। इसको भी ऐसे बना सकते हैं, अभी आपको समझ में आ गया होगा ये बाईसाइक्लो कंपाउंड है। क्लियर। नेमिंग कैसे करनी है, नेमिंग देखो ये हमारे पास जो है क्वार्टरनरी कार्बन होता है इधर, तो मतलब ये हेड्स हो गए, हेड्स हो गए, तो यहां से आप काउंटिंग शुरू कर रहे हैं तो वन काउंटिंग करेंगे, आप इधर जाएंगे कि इधर जाएंगे। देखो कीटो ग्रुप है, ये OH ग्रुप है, कीटो ग्रुप को प्रेफरेंस देते हैं OH के कंपैरिजन में, तो बेटा वन टू यहाँ आ जाएगा, थ्री फोर फाइव सिक्स और उसके बाद यहाँ पर सेवन और ये हमारे पास एट आ गया, तो एट कार्बन पर हमारे पास बी आर लगा हुआ है, गॉट इट। चलिए नंबरिंग हो गई है, अब कितने कार्बन है यहाँ पर, आठ कार्बन है और टू पे ऑन लगा हुआ है, तो सीधा सीधा पहले नाम लिख लेंगे ऑक्टेन, ठीक है, टू पे ऑन लगा हुआ है, टू पे ऑन इसी को प्रेफरेंस देंगे, बाकी सब सब्स्टिट्यूएंट यूज होंगे। तो अब हाइड्रोक्सी और बीआर में कंपैरिजन है, नाम किसका होगा, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखेंगे, तो बीआर बी पहले आता है तो क्या नाम हो जाएगा, एट ब्रोमो सिक्स हाइड्रोक्सी ऑक्टेन टू ऑन हो जाएगा, ठीक। अब यहां पर एक चीज जो है हमने छोड़ दी, वो क्या छोड़ दी है, बाईसाइक्लो, तो बीच में क्या लिखना है भाई, बाईसाइक्लो लिखना है, बाईसाइक्लो, बाईसाइक्लो बीच में क्या लिखना पड़ेगा, बाईसाइक्लो और इधर कितने कार्बन हैं, टू,
इधर कितने हैं 2, इधर बीच में कितने हैं 2, ए ऐसे लिख लीजिए, ब्रैकेट बंद कर दीजिए, ठीक है। तो नाम ये वाला बीच में नाम आ जाएगा, उससे पहले सब्स्टिट्यूएंट होगा, क्लियर हो गई बात। क्या डिफरेंस है सिंपल में और बाईसाइक्लो में, बाईसाइक्लो बीच में आ जाएगा, कहां आएगा यहां सब्स्टिट्यूएंट्स के बाद और हमारे जो मेन रूट वर्ड है उससे पहले, क्लियर। इसके अलावा कुछ और वेरिएशन भी हम ट्राई कर सकते हैं, तो जैसे यहां पर आप देखें तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, आप एक कार्बन बीच में दिखाइए, यहां पर कोई और ग्रुप लगा दीजिए, COH ग्रुप लगा दीजिए, यहां पर आप लगा दीजिए, यहां पर आप लगा दीजिए BR, यहां पे OH था, अब यहां कुछ और ग्रुप लगा दीजिए, यहां आप लगा दीजिए CL ग्रुप, ठीक है। अब ये सब्स्टिट्यूएंट हो गए, अभी हमें क्या करना है, देखो पहले सबसे पहले आइडेंटिफाई करना है बाईसाइक्लो कंपाउंड है, क्लियर। और बीच में लगाना चाहो तो यहां भी आप लगा सकते हो, यहां पे आयोडीन लगा दीजिए, इस तरह से ग्रुप हमारे हो गए। अब इसको नेमिंग करना है, तो सीधा सीधा अभी सबसे पहले मैंने क्या बताया था भाई, आइडेंटिफाई हो गया तो बाईसाइक्लो हो गया, बाईसाइक्लो, फिर ब्रैकेट में इधर कितने, अच्छा नंबरिंग की बात समझ लीजिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और ये हमारे पास आया 7 कार्बन, ठीक है। अब हमने इधर से नहीं करा क्योंकि सीओएच ग्रुप है, प्रेफरेंस उसको देंगे, गॉट इट। तो बाईसाइक्लो यहां पे कितने कार्बन हो गए ब्रिज वाले, 2 कार्बन, फिर इधर कितने कार्बन ब्रिज, 2, बीच में कितने, 1, ठीक है, ब्रैकेट बंद कर दिया। अभी हमने कार्बन कितने काउंट करे हैं, 7 कार्बन काउंट करे, तो 7 के लिए क्या यूज करेंगे, हेप्टेन, क्या हो जाएगा, हेप्टेन, ठीक है। अब 2 पे कार्बोक्सिलिक एसिड लगा हुआ है, तो यहां पे ओएच यूज नहीं करेंगे क्योंकि इसका कार्बन यूज नहीं हुआ है, ठीक है। तो इसको क्या लिखेंगे, हेप्टेन के बाद क्या लिखेंगे, 2, यहां पे 2 कार्बोक्सिलिक एसिड, ये हम लिखेंगे। अब सब्स्टिट्यूएंट हमारे रह गए, सब्स्टिट्यूएंट में हमारे पास ब्रोमो है, क्लोरो है, आयडो है, तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में क्या करेंगे, 6 ब्रोमो 5 6 ब्रोमो 5 क्लोरो 7 आयोडो, तो लिख दीजिए। तो क्या हमारे पास हुआ, 6 ब्रोमो, ठीक है, उसके बाद 5 क्लोरो, उसके बाद 7 आयोडो, बाईसाइक्लो 2-2-1 हेप्टेन 2 कार्बोक्सिलिक एसिड, इसका नाम हो जाएगा, इस तरह से आप नेमिंग करेंगे। खास बात आपको बता दूं, यहां पर छोटे बड़े रिंग्स भी हो सकते हैं, छोटे बड़े ब्रिजेस भी हो सकते हैं, तो यहां पर बड़े ब्रिज की साइड से काउंटिंग करनी है हमेशा, चाहे प्रेफरेंशियल ग्रुप छोटे वाले ब्रिज पे प्रेजेंट हो, प्रेफरेंशियल वाला ग्रुप, तो उसका एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। चले यहां पर एक एग्जाम्पल उसका ले लेंगे, तो यहां पर हमने ले लिया है ये लीजिए, ठीक है, ये हमने एक एग्जाम्पल लिया है जिसमें छोटे बड़े साइकिल हमारे पास आ जाएंगे, और यहां पर ग्रुप्स देखो, मैं यहां लगा देता हूं COOH ग्रुप, लेकिन यहां लगा देता हूं मैं OH ग्रुप, ओके, इधर ये लगा दिया आपको, यहां पर लगा दिया है आई, लगा दिया आई ग्रुप लगा दिया, ओके चले, और इधर मैंने लगा दिया है, यहां मैं लगा देता हूं नाइट्रो ग्रुप, NO2 ग्रुप। अब इसकी नेमिंग करनी है आपको, बाईसाइक्लो कंपाउंड है, अब इसको दूसरी तरीके से भी लिख सकते हो आप, है ना, तो दूसरी तरीके से कैसे लिखोगे, ये ले लो, ठीक, आप यहां पर बीच में ये बन गया, अब यहां पर देखो, यहां पर बना है ये वाला, ओके, तो यहां पर हमारे पास देख रहे हैं, यहां पर कितने कार्बन आ गए भाई, 1, 2, 3 कार्बन, यहां पर कितने कार्बन आए, 1, 2, 3, और ये बीच में 2 कार्बन आए, गॉट इट। अब इसी पे हमने ग्रुप्स लगाना है, तो देखो इधर में यहां पे लगा हुआ है OH, यहां पे लगा हुआ है NO2, और इधर लगा हुआ है COOH, ठीक है, और ऊपर देखो, ऊपर क्या था, देखो यहां पे कार्बन के बाद लास्ट वाला कार्बन है, तो लास्ट वाला कार्बन हमारे पास यहां से ये आने वाला है, तो ये इस कार्बन पे लगा हुआ है आई, ठीक है। आप इसको ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हैं और आपको ऐसे भी लिखा मिल सकता है, तो आपको उसमें कंफ्यूज नहीं होना। चलिए नंबरिंग की बात करें, तो नंबरिंग की बात कर लीजिए, यहां पर आप देखिए 2 हेड्स कार्बन है, तो इसको ले लीजिए 1,
अब चलना है, देखो हमें बड़े रिंग की तरफ चलना है, छोटे की तरफ नहीं चलना। हालांकि छोटे पे आप देखोगे इधर जो है छोटे ब्रिज में यहाँ पर दो कार्बन है, इधर तीन कार्बन है, तो उसी तरफ चलना है। भले ही एक प्रेफरेंशियल ग्रुप जैसे सीओएच ग्रुप को प्रेफरेंस देते हैं ओएच ग्रुप के कंपैरिजन में, तो इधर नहीं चलना है, हमने काउंटिंग इधर ही करनी है। तो यहाँ पर हो जाएगा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ठीक है, फिर आया 8, फिर आया 9, ओके, सबकी पोजीशन स्पेसिफाई हो गई, गॉट इट। चलिए नेमिंग करना है, तो अभी आप देखो बड़े ग्रुप में कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, ओएच है, यानी कि नेमिंग क्या करनी है, अल्कोहल सफिक्स यूज होना है, ओके। कितने कार्बन है टोटल, 9, तो 9 के लिए क्या यूज करते हैं, नो नेम, सारे सिंगल बॉन्ड है, और 2 पे ऑल है, तो नो नेम टू ऑल हो गया। चलिए नाम हो गया नो नेम टू ऑल, ठीक है, लास्ट में नो नेम टू ऑल, अब तो सब्स्टिट्यूएंट रह गया, उसकी नंबरिंग वो करनी है, नेमिंग करनी है। चलिए अब हमारे पास नाइट्रो ग्रुप है, और जब ये ग्रुप एज अ साइड ग्रुप यूज होता है, मतलब सब्स्टिट्यूएंट यूज होता है, तो उसको कहते हैं कार्बोक्सी, क्या कहते हैं, कार्बोक्सी, ठीक है। और हमारे पास फिर क्या है, आयोडो ग्रुप है, तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर देखें तो कार्बोक्सी पहले आएगा, फिर उसके बाद क्या आएगा, आई आएगा, ठीक, उसके बाद एन आएगा, तो इसी तरह से नेमिंग कर देंगे सीधा। 7 पे क्या है, सब्स्टिट्यूएंट काउंट करेंगे, और इससे पहले क्या लिखने वाले हैं, पहले बाईसाइक्लो लिखने वाले हैं, तो लिखेंगे बाईसाइक्लो ब्रैकेट, यहां पर बड़े में कितने कार्बन हैं, 3, इसमें कितने हैं, 2, बीच वाले पे कितने हैं, 2, बाईसाइक्लो 3, 2, 2, नोनेन, दिस इज नोनेन, एन दिस इज नोनेन टू ऑल, सब्सिक्वेंट का नेमिंग करना है, तो ऊपर में कर रहा हूं, यहां पे देखिए 7 कार्बोक्सी, ओके, उसके बाद क्या है हमारे पास, 9 आयडो, फिर 4 नाइट्रो, उसके बाद आएगा बाईसाइक्लो 3, 2, 2, नोनेन टू ऑल, इस कंपाउंड का नाम हो जाएगा, गॉट इट। तो यहां आपको मैंने रूल्स भी क्लियर करा दिए हैं और बाकी एग्जांपल्स भी क्लियर करा दिए हैं, आई थिंक इट विल बी हेल्पफुल फॉर यू। एक कंपाउंड के बहाने आपको दो और बता दिए हैं विद एक्सटेंडेड रूल्स, ओके। चले चल अब हम अपना आंसर देख लेते हैं, हमारा आंसर कौन सा है, हमने किया था 8-bromo-6-hydroxy-octane-2-on, ठीक है, यही किया था, देख लेंगे नंबरिंग 1, 2, 3, 4, 5, 6 है ना, और फिर आया था हमारे पास ये 7 आया था, ये 8 नहीं नहीं 7 ही आएगा हमारे पास, क्योंकि इसको नेमिंग कर चुके हैं, दिस इज 7 एंड दिस इज 8, तो 8 पे भी आ गया, तो 8 ब्रोमो हमारे पास आ जाएगा, गॉट इट। चले चल, एन ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेन्स कार्बन 38.8%, हाइड्रोजन इज 16%, नाइट्रोजन इज 45.2%, ओके। एम्पिरिकल फॉर्मूला फाइंड करिए कंपाउंड का, ये आपका क्वेश्चन है, तो एम्पिरिकल फॉर्मूला कैसे फाइंड करते हैं उसी को देखते हैं। चलिए तो यहां पर एक टेबुलर फॉर्म में इसको फाइंड करते हैं, देखेंगे पहले एलिमेंट का टेबल लिखेंगे, और एलिमेंट हमारे पास हो जाएगा, ध्यान देंगे एलिमेंट हमारे पास कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन है, उनका मास परसेंटेज जो दिया है 38.8, 16 एंड 45.2%, कितने में है, 100 में है। तो दूसरा टेबल हम अगले बनाने वाले हैं आगे नंबर ऑफ मोल्स के लिए, तो नंबर ऑफ मोल देखो कार्बन का मास कितना है, 12 होता है, और यहां पर जो मास परसेंटेज में मास दिया हुआ है वो दिया हुआ है 38.8, जब 38.8 को 12 से इसको 38.8 करेंगे डिवाइड बाय 12 करेंगे तो हमारे पास 3.2 आ जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट बात करेंगे 16 मास दिया है हाइड्रोजन का, तो मोलर मास तो उसका 1 ही होता है, नंबर ऑफ मोल्स आप कैसे फाइंड करते हैं, W बाय M से ही तो फाइंड करते हैं, ठीक है। चलिए अभी हम यहां पे 16 आ गया, नेक्स्ट इज 45.2 को डिवाइड करा 16 से, तो ये हमारे पास ये भी 3.2 आ रहा है, गॉट इट। नेक्स्ट में हम क्या करेंगे, स्टेप में यहां पर नंबर ऑफ मोल्स इसके 3.2 हैं, यहां पे 16 है, यहां पे 3.2 है, अब क्या करेंगे, करना ये है
कि यहां पर जो भी मिनिमम है, मिनिमम वैल्यू किसकी है, कौन से मोल सबसे कम है, तो वो 3.2 वैल्यू है। उससे सभी के मोल्स को जब डिवाइड करेंगे तो हमारे पास एक सिंपल रेशो आ जाएगी। तो सिंपल रेशो कैसे आएगी उसको ही समझना है। तो यहां पर 3.2 तो सबसे कम मोल है, तो आप करें 3.22 डिवाइडेड बाय 3.2, तो क्या आया, 1 आया। यहां पर आप 16 को जब 3.2 से डिवाइड करोगे तो एक जीरो हटा, इसको एक जीरो लगाओगे तो ये 5 चल जाएगा, ठीक है, ओके। अब 3.2 को फिर से 3.2 से जब डिवाइड करोगे तो ये भी 1 आएगा। इस तरह से हमारे पास ये आ गई सिंपल रेशो, सिंपल रेशो। अब क्या होता है एम्पेरिकल फॉर्मूला, एम्पेरिकल फॉर्मूला वो फॉर्मूला होता है जिसमें सिंपल रोल नंबर रेशियो ऑफ द एलिमेंट्स दिया होता है। मींस अ कंपाउंड रिप्रेजेंटेड एज इफ इट इज कंटेनिंग द सिंपल होल नंबर रेशियो ऑफ द एलिमेंट्स इन इट। लेकिन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है, वहां पर एग्जैक्ट नंबर ऑफ एलिमेंट्स के मॉलिक्यूल होते हैं या एटम्स होते हैं, एग्जैक्ट नंबर। कैसे समझ लेंगे थोड़ा सा। यहां पर तो फिलहाल एम्पिरिकल फॉर्मूला आ चुका है, C1 आया है, H5 आया है, O1 आया है। तो यहां पर आ गया हमारा C1H5O1, ये फॉर्मूला हमारे पास आया। तो यहां पर ये फॉर्मूला आया, तो ये हमारे पास एम्पिरिकल फॉर्मूला इसका हो गया है। यहां पर ये है नाइट्रोजन, ऑक्सीजन नहीं है, नाइट्रोजन है क्वेश्चन में, तो नाइट्रोजन के 3.2 मोल आ रहे हैं और यहां पर ये 1 रेशो आएगा। तो यहां पर जो एम्पिरिकल फॉर्मूला बनेगा वो क्या बनेगा, C1H5N, ये वाला फॉर्मूला हमारा बनेगा। अब इसको वर्कआउट कर लेंगे, N1 यानी कि C H5N आ जाएगा। तो इसको करेंगे C1H5N1, तो मतलब CH5N आ गया। अब CH5 तो नहीं हो सकता, कार्बन की 4 वैलेंसी तो कंप्लीट नहीं हो सकती, और कार्बन को बनाना है नाइट्रोजन से भी बॉन्ड बनाना है, तो कार्बन का एक बॉन्ड तो नाइट्रोजन से हो गया, बाकी बचे 3 बॉन्ड, तो 3 तो हाइड्रोजन से हो सकते हैं। अब आपको समझना है कि तो यहां पर इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, CH3 एक बॉन्ड N से बनाया, अब 2 हाइड्रोजन बचे तो वो कहां जाएंगे, नाइट्रोजन पे चले जाएंगे। तो अभी इसका जो फॉर्मूला हमारे पास आ रहा है वो CH3NH2, इस तरह से फॉर्मूला आएगा और ये वाला हमारा फॉर्मूला बनेगा, क्लियर। तो एम्पिरिकल फॉर्मूला कैसे फाइंड करना है, क्लियर हो गई बात। सिंपली पहले क्या करते हैं समझ लेंगे, पहले क्या करना है, एलिमेंट्स वाली टेबल बनाएंगे, कार्बन हाइड्रोजन नाइट्रोजन है यहां, फिर मास परसेंटेज लिखेंगे, फिर उसका नंबर मोल्स, फिर जितने जिसके मोल सबसे कम है उसको सबको डिवाइड करके हमारे पास सिंपल रेशियो फाइंड कर लेंगे। सिंपल रेशियो फाइंड करते ही हमारे पास फॉर्मूला आ गया C1H5N, ठीक है, ओके। चलिए फिर हमने वर्कआउट किया कि यहां पर किस तरह से हम इसको मैनिपुलेट कर सकते हैं, किस तरह से चेंज कर सकते हैं। CH5 तो पॉसिबल नहीं है, इसलिए हम इसको एम्पिरिकल फॉर्मूले में ऐसे लिख सकते हैं, यहां पर CH3NH2 मिथेनामीन हमारे पास मिलता है। अब मैं आपको थोड़ा सा हिंट दे दूं कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और एम्पिरिकल फॉर्मूला में क्या अंतर है। एक एग्जांपल लेके आपको मैं बता रहा हूं, C6H12O6, ठीक है, ये क्या है, ये है ग्लूकोज। अब ग्लूकोज में ये जो फॉर्मूला है ये है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, लेकिन एम्पिरिकल फॉर्मूला इसको डिवाइड कर दीजिए 6 से तो CH2O, ये इसका हुआ एम्पिरिकल फॉर्मूला। कैसे फाइंड करेंगे, क्योंकि यहां सिंपल रेशो दिखाया है, देख लीजिए रेशो भी 1:1, क्लियर। अब इसमें भी देखो तो 1:1 है, इसमें देखो तो 1:1 है, इसको डिवाइड कर दो 1:1 रेशो आ गया, ठीक है। तो ये तो हुआ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, ये हुआ हमारा एम्पिरिकल फॉर्मूला। एक और एग्जांपल ले लेंगे, तो ले लेंगे CH3COOH, ठीक है। अब इसको आप करके देखो तो क्या आ रहा है हमारे पास, देखो CH4 तो C2 हो गया, यहां पे 2 कार्बन है, H4 हो गए O2, अब इसको भी ऐसे डिवाइड करोगे तो CH2O ही तो बना। अब देखो CH2O एम्पिरिकल फॉर्मूला है, एसिटिक एसिड के लिए भी, ग्लूकोज के लिए भी एम्पिरिकल फॉर्मूला तो सेम आ रहा है, क्योंकि दैट रिप्रेजेंट्स द सिंपल होल नंबर रेशियो ऑफ द एलिमेंट्स इन व्हिच दोस आर कंबाइनिंग टू गिव द कंपाउंड, क्लियर हो गई बात। लेकिन एग्जैक्ट नंबर ऑफ पार्टिकल्स, एटम्स, मोल्स किसके प्रेजेंट होंगे, कहां प्रेजेंट होंगे,
किस में प्रेजेंट होंगे, वो होगा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। क्लियर हो गई बात?